नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर भरत भोसले है। मैं एक कैंसर तज्ञ हूँ, मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। कैंसर के बारे में बहुत सारे मिथ्स हैं और उसका एक रीज़न है, हम जब फिल्में देखते हैं, हम सीरियल्स देखते हैं और वहाँ पे कोई डॉक्टर बोलता है कि आपको कैंसर है, तो पुरानी फिल्मों में भी ऐसा है कि लोग पूछते हैं, अब मेरे हीरो पूछता है जैसे कि मेरे पास कितने दिन हैं, तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि कैंसर बोले तो अभी अपने पास बहुत सारे कम दिन बचे हैं, बहुत सारे दिन नहीं है और बहुत कम दिन है। हम अभी मॉडर्न ज़माने में जी रहे हैं और कैंसर के लिए बहुत सारे उपचार अवेलेबल हैं, जिसमें कीमोथेरेपी है, टारगेटेड थेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है और बहुत सारे थेरेपीज और फ्यूचर में आ रहे हैं, जो नो जेनेटिक थेरेपीज आर ऑल्सो इवॉल्विंग। सो ये सब चीज़ें जो फिल्मों में दिखाते हैं वो सही नहीं है, हर बार सही नहीं होता, बल्कि कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो कम्प्लीटली क्योर होते हैं। एंड वी हैव लाइव एग्जाम्पल्स इन द फॉर्म ऑफ सुपरस्टार्स, जिनका कैंसर पूरा ठीक हो गया है। तो ये सब चीज़ें देख के एक निगेटिव थाट्स क्रिएट करने से अच्छा है कि कैंसर के बारे में सही क्या है जानिए, उसके लिए अपने एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाइए, डिस्कस करिए और फिर एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का ट्रीटमेंट पे बहुत निगेटिव असर पड़ता है, काफ़ी लोग ट्रीटमेंट के लिए आगे नहीं आते। सो सही क्या है ये जानने के लिए एक महत्वपूर्ण स्टेप है कि आपके डॉक्टर के साथ बैठिए, उनको क्वेश्चंस कीजिए, उसके सही आंसर्स जानिए। अगर आपका कैंसर ठीक होने वाला है तो उसको ठीक करने के लिए उसका खर्चा हो, उसका ट्रीटमेंट हो, आपके आजू बाजू में आपके प्रियजन हैं, डॉक्टर्स हैं, एनजीओज हैं, वो सब लोग साथ में मिलके इस चीज को, बिकॉज इट्स अ वॉर अगेंस्ट द कैंसर बाय ऑल ऑफ अस, एंड इसके लिए आपको आगे आना है, आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करना है और एक बेस्ट इन्फॉर्म डिसीजन लेना है विच विल हेल्प यू टू बीट द कैंसर, ना कि जो भी फिल्मों में दिखाया जाता है। सो उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देना है, उन चीजों पर ध्यान मत दो, एक्सपर्ट की सलाह लो।